और जब 5.5 महीने बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से टीआरएस नेता के कविता रिहा हुई तो अपने बेटे पति और भाई केटीआर के गले लग कर रोने लगी। जेल के बाहर के कविता के स्वागत में टीआरएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। खुशी में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और पटाखे भी जलाए। यहां से के कविता का काफिला सीधे दिल्ली पार्टी दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इस स्थिति का इन्हें जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। कविता को सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10-10 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। शर्त यह है कि कविता इस दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। कि कविता को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेजों के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।